खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजस्थान सरकार में युवा मामले के खेल मंत्री अशोक चांदना ने नोहर पहुंचकर बिहानी स्टेडियम में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस समय विधायक अमित चाचान के नेतृत्व में मंत्री चांदना का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। एक्सप्रेस वन न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। एक हमारे युवा साथियों की मांग है कि हमारी बिहानी बालगढ़ स्टेडियम में जो पूरे राजस्थान में फुटबॉल के माध्यम से अलग पहचान रखी है, इसमें आप अगर फुटबॉल अकेडमी की यहाँ घोषणा करके जाएंगे तो आने वाले समय में अनेकों फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ से पहुंचकर राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। एक विद्यालय में स्वीकृत सत्र प्रयत्न प्रशिक्षण केंद्र जो फुटबॉल प्रशिक्षण कोच का पद हमारे 2000 से रिक्त है 20 सालों से, उसकी भी अगर आप नियुक्ति करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी मांग होगी। एक हमारे ये बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में आज माननीय मंत्री महोदय, जब भी हम नौकरियों के लिए युवा तैयारी करते हैं सबसे ज्यादा उन्हें दौड़ लगानी पड़ती है। अगर इस ग्राउंड के चारों तरफ एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा तो युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी मांग होगी। इसके साथ ही मंत्री महोदय, आज हमारे बहुत से युवा ही नहीं बल्कि चाहे वो हम सरकारी आज के अधिकारी है, कर्मचारी है या अधिक उम्र के लोग है, एक बैडमिंटन का अलग ही एक रोचक कहता है रहती है। यहाँ अनेकों ग्राउंड तो बने हुए हैं लेकिन इंडोर स्टेडियम नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से आजकल प्रकृति भी अपना रूप बदल चुकी है, रोजाना आंधी हवा चलती रहती है तो बैडमिंटन नहीं खेल पाते। मेरा आपसे अनुरोध है, पिछले बजट में 25 लाख रुपए की जो घोषणा हुई थी, क्योंकि इंडोर स्टेडियम के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है या जगह काफी है, तो आज आप इस मंच से बैडमिंटन की इंडोर स्टेडियम की घोषणा करके जाएंगे तो हमारे युवा साथी साहब का ब्रिश के साथ बैठे हैं कि आज हम मंत्री के माध्यम से कुछ सुनेंगे। इसके साथ ही बालकृष्ण स्टेडियम के अंदर जो बाहर से टीमें आती है उसके रहने के लिए एक हॉस्टल की निर्माण हो जाए तो जो बाहर से बाहर खिलाड़ी आते हैं वो भी यहाँ रहकर अपने यहाँ फुटबॉल के माध्यम से अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेडियम के रख रखाव के लिए 2 चौकीदार और बागवान की सुविधा, हालांकि मैंने आपसे बहुत कुछ मांग लिया लेकिन एक बड़े भाई के रूप में आप आज मुझे आशीर्वाद देकर जाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एक बार पुनः इस धर्म नगरी, इस खेल नगरी और इस भामाशाह की नगरी में आपका पहुंचने पर बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय मोहर। सभी सम्मानित गण, आदरणीय चेयरमैन साहब, भाई अमित चाचान जी, प्रधान जी, हमारी बहन जो भी चेयरमैन है, सम्मानित मंच और आसपास के सभी पंचायतों से और गांवों से आए हुए नगर पालिका के सभी वरिष्ठ गण, युवा भाई, माताएं और सभी खेल प्रेम, क्योंकि आज हम खेल के मैदान में बैठे हैं और खेलों की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खेल प्रेमी हो सकते हैं जो खेलों की इतनी बातें कर सकते हैं या खेलों के बारे में इतना सोच सकते हैं। बड़ी खुशी मिली कि आपके इलाके में खेलों का इतना वातावरण है, वरना वातावरण बनाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आके मुझे महसूस हुआ और विशेषकर फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो बहुत जगह पर इतनी ज्यादा उसकी डिमांड, आजकल क्रिकेट कबड्डी तो सभी खेलते हैं, उसका तो एक चलन वैसे ही चल रहा है, लेकिन फुटबॉल का चलन आपके शहर में इतना अनोखा है, इसके आसपास के इलाकों में है, ये बड़ी खुशी की बात है। ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे पता लग गया कि ये नौर के ही बजट में इतनी घोषणा क्यों, वो आज मुझे पता लगा, और एक वोट से 2 विधायक कैसे मिलते हैं ये भी मुझे आज पता लगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने मुझसे अलग वादा ले लिया और अमित जी ने मांग अलग कर, तो ये बात तो सही है कि वोट जरूर एक पड़ा होगा लेकिन विधायक तो 2 मिले, ये तो तय, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं रस्ते में आ रहा था तो प्रधान जी और लोग हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी विशेष रुचि रहती है, आपके परिवार का विशेष योगदान रहता है और उसी के तहत यहाँ की क्षेत्र की जनता ने आपको आज इस पद पर बिठाया और जिस प्रकार से आप लगे रहते हो निरंतर, चाहे वो जयपुर हो चाहे कोई मंत्रालय हो, आपकी जो कार्य कौशल है मैं उसकी खूब खूब दाद देता हूं और निश्चित रूप से आपके इस कार्य कुशलता की वजह से क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, ये मैं दावा करके जा रहा हूं।